सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कहूँगा और मैं बताता हूँ कि आज हमने पौधारोपण करा है जो कि एक आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पिछले आम टाइम में सुना गया था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है और प्रॉपर मानसून नहीं आता था, इस पौधारोपण इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें चारों तरफ हरियाली का माहौल रहेगा और हम लोगों का मन साफ साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं आएगी, इससे बारिश भी अच्छी होगी, मानसून अच्छा आएगा। किस उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया और कितने पौधे? पौधारोपण आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन था जिसका नाम स्वरा है, उसके 14 साल पूरे हुए हैं, तो हमने 14 पौधे अपने हॉस्पिटल के सामने लगाए हैं। सर, जैसा कि कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे पौधारोपण को लेकर मानसून भी? मैं तो आम जनता से ये अपील करूँगा, तो ये इस टाइम मानसून भी चल रहा है कि जितने से ज़्यादा पौधे इस वक्त लगाए जाएँ वो कम है और हम लोगों को अपने हर सुनहरे अवसर पर पौधारोपण करना चाहिए। जैसे आज जिला प्रशासन और रेडक्रॉस और सामाजिक संस्थाओं ने वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है, उस शुभारंभ में हमारे जो जिले के उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपना पौधारोपण करते हुए उसका उद्घाटन किया। साथ ही साथ हमारी सभी आमजन की जिम्मेवारी बन जाती है कि जैसे हम कोई अपना पुण्यतिथि हो, जन्मदिन हो या शहीदी दिवस हो, किसी भी उपलक्ष्य में हम अपना एक पौधारोपण करें और उस पौधे को लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करें, हमारी जिम्मेवारी है। जैसा पीछे सेकेंड वेव के कोविड की सेकेंड वेव के अंदर देखा गया था कि ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम हर नागरिक देशवासी एक पौधा लगाएं और उसको एडॉप्ट करें कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, बारिश अच्छी होगी और ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। जैसा आज डॉक्टर सचिन गुप्ता जी ने, जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, साथ ही रेडक्रॉस से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम की है कि उन्होंने अपनी बेटी स्वेरा के 14वें जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए उस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। तो जिला प्रशासन और रेडक्रॉस की तरफ से मेरी सभी आमजन को अपील है कि आप इस तरह से ही बच्चों के जन्मदिन पर या अपने स्वयं के जन्मदिन पर पौधारोपण करते हुए इस सृष्टि को बचाएं और हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके।